10,000 लेके आप आइए और कोई भी बाइक को लेके जाइए। जी जी बिल्कुल। भागलपुर का अलीगंज में खुल चुका है यामा का नया शोरूम। जिधर नजर दौड़ाइएगा हर एक साइड आपको बाइक ही मिलेगा, जो भी टॉप मॉडल है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग भी अगर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है। कैसा लगा यहाँ का सुविधा? बहुत बढ़िया सुविधा है। सर्विसिंग कैसा लगा यहाँ पर? सर्विस तो भैया एकदम अच्छा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, तो यामा का बाइक हमारा फेवरेट है, ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हम ब्लैक कलर में कार्बन 5 लिए थे। तो भैया वो जो ब्लैक कलर में लिए थे ना, वो दोस्त को दे दिए हैं यूज करने के लिए, लेकिन मेरा मन हुआ कि हम काफी दिन से भागलपुर में और एक गाड़ी तो यहाँ पे लेना बनता है, तो अभी लेंगे नहीं लेकिन देखना है तो अब जो है हम ब्लू कलर में कार्बन 5 लेने वाले हैं। तो पता किया कि कहाँ पे है शोरूम यामा का, तो पता चला कि भागलपुर के अलीगंज में नया शोरूम खुल चुका है यामा का। तो भैया जहाँ पे नया खुलता है लोग पहले वहीं जाते हैं, तो हम पहुँच चुके गाइस भागलपुर के अलीगंज में खुल चुका है यामा का नया शोरूम। तो सोचे देखने आते हैं, तो गाइस आप लोगों को भी दिखा देते कि कितने मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और किस रेटों में यहाँ पे बाइक आप लोगों को मिल जाएगा। तो देख भी लेंगे, दिखा भी देंगे, तो सभी कुछ हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं शोरूम में, आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम जिस शोरूम में जाने वाले हैं, शोरूम का नाम है सरोज इंटरप्राइजेस ब्लू स्क्वायर, जो कि भागलपुर के अलीगंज में है। ये रोड देख सकते हैं, मोन्सी जाने वाला रास्ता है और इसी के बीच में पड़ जाएगा आप लोगों को ये यामा का शोरूम। तो नया खुला है और बहुत ही खास है गाइस, बहुत कुछ आपको इस शोरूम में मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो में, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, सभी मॉडल्स आपको दिखाएंगे और कितने कम से कम रेटों में मिल जाएगा आप लोगों को बाइक, ये सभी जानकारी इस ब्लॉग में देने वाले हैं। आप लोग भी अगर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है, और ऑफर भी हमेशा चलते रहता है, तो सही समय में कब ऑफर चलता है ये पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। गाइस तो फाइनली हम यामा शोरूम के अंदर आ चुके हैं। गाइस आप गाड़ियों की कलेक्शन देख सकते हैं, गाइस हर एक मॉडल अवेलेबल है यहाँ पे। हालांकि हमारा फेवरेट तो हमेशा R15 ही रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू व्हाइट कलर में भी R15 है, ब्लू कलर में भी है, ब्लैक में भी है, हर एक मॉडल्स और हर एक यानी वर्जन 3 वर्जन 4 और भी गाड़ी मतलब जितना बताया गाइस हर एक मॉडल्स अवेलेबल है। गाइस शोरूम में देखिए जिधर नजर दौड़ाइएगा हर एक साइड आपको बाइक ही मिलेगा, जो भी टॉप मॉडल है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे भी कुछ बाइक है जो कि सिर्फ भागलपुर के इसी शोरूम में मिलेगा, वो अदर किसी शोरूम में नहीं मिलने वाला है। तो वैसे तो R15 का हर एक मॉडल आप सभी जगह पे देखे होंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो खास है, जो भागलपुर के लिए नए है, जो कि अदर शोरूम में नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसे भी बाइक है जो सबसे यूनिक है, हम उसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर उस बाइक में क्या खासियत है। देखिए ये गाइस व्हाइट कलर में R15, हर ब्लैक ब्लू तो बहुत बार आप देखे होंगे, लेकिन ये व्हाइट में देखिए कितना यूनिक और स्टैंडर्ड लग रहा है। क्या खासियत होगा भैया इस बाइक के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए ये R15 का सबसे टॉप मॉडल में आ जाता है, प्रीमियम बाइक है यामा की जी, और इसमें एक एडिशनल फीचर है, ठीक है, जो R15 में मतलब सारे कलर्स में नहीं आती है, सिर्फ व्हाइट में आती है, व्हाइट सिल्वर और ब्लू में। अच्छा, ठीक है, और इसमें वो फीचर है क्विक शिफ्टर। इसमें होता क्या है कि जैसे मतलब आप कभी गाड़ी वगैरह राइडिंग कर रहे हैं और गाड़ी मैनुअल में चल रही है, ठीक है, तो आपको थ्रॉटल और क्लच का जरूरत नहीं पड़ेगा गियर चेंज करने के लिए। अच्छा, ये फीचर है। अच्छा, तो इसका ये फीचर है गाइस, बाकी और ये एडिशनल फीचर है। और भी जो टॉप मॉडल्स है, और ये जो बाइक है सर, ये व्हाइट कलर की R15 V4, ये आपको बिहार में पूरे सिर्फ दो जगह ही मिलेगी, या तो एक पटना में और एक यहाँ भागलपुर हमारे यहाँ सरो इंटरप्राइजेस में, यानी कि बिहार के किसी भी जिले से है अगर आपको लेना है व्हाइट कलर में R15, तो शायद ये शोरूम ही आप लोगों के लिए खास हो सकता है। गाइस तो R15 दिखाने के बाद एक और टॉप मॉडल की बाइक पे पास हम आ चुके हैं। देखिए गाइस इस बाइक के बारे में पूरे डिटेल में बताइए भैया कि क्या फीचर है इस बाइक में। ये बाइक MT15 है, मोटो GP एडिशन, ये MT15 की सबसे टॉप मॉडल है, मॉन्स्टर एडिशन, बहुत लिमिटेड एडिशन है, और ये बाइक सिर्फ आपको ब्लू स्क्वायर शोरूम में ही मिलेगा, ठीक है, ये मॉन्स्टर एडिशन है, इसका कंपनी की अलग लेबलिंग है इसमें। अच्छा, बाइक तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड भी है, और जो भी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं ये बाइक उन लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है ना? बहुत अच्छी रेसिंग बाइक है, रेसिंग तो है ही है, क्योंकि सारा चीज़ भी उतना ही है जैसे रेसिंग मॉड्यूल पर है।
ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफी सारा स्कूटी है यमहा का, जो कि नॉर्मली काफी सारा आप लोग यूज किए होंगे, देखे होंगे आप सभी के घर में होगा और बहुत बार इस स्कूटी को आप लोग यूज किए होंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को यमहा का एक टॉप मॉडल का स्कूटी दिखाने वाले हैं, जिसके फ्यूचर जो थे गाइस जान के आप लोग भी थोड़ा शॉर्ट लग जाएगा, यानी कि यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है और काफी अच्छा भी कह सकते हैं गाइस। ये जैसे इसके बारे में, इस स्कूटी के बारे में हमें बताया गया तो हमें सुन के काफ़ी अच्छा लगा, सोचे आप लोगों को भी बता देते हैं। इसकी खासियत क्या है गाइस, देखिए पहले जो सभी स्कूटी में जो है उतरना पड़ता था गाड़ी चलाते हुए, उसके सीट खोलना पड़ता था, तब जाके फ्यूल लेना पड़ता था। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये डायरेक्ट यहीं पर है। बताइए मैम क्या खासियत है इसमें? इसको बस ओपन की तरफ करते हैं और ये फ्यूल टैंक को का क्लिक करते हैं बटन, तो ये अपने आप खुल जाता है। अच्छा, साइड में बटन है ना? हाँ, आपको आपको यहाँ से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल टैंक के पास, और फिर मतलब इसको ओपन करके खोल के कर सकते हैं। तो ये गाइस खासियत है इस स्कूटी में, देखिए ये डायरेक्ट आपको आगे में फ्यूल लेने के लिए, और सीट के लिए भी आपको सीट वाला बटन क्लिक करना होगा, सीट भी ऐसे अपने आप ओपन हो जाएगा। अच्छा। और इसका सीट का एरिया बहुत ज्यादा मतलब दिया गया है, आराम से जिसमें आप एक मतलब एक हेलमेट और कुछ सामान भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका व्हील बेस बहुत अच्छा है, रोड ग्रिप अच्छा है, बाकी स्कूटर के टायर के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, टायर का पहले जो स्कूटी आता था उसका टायर थोड़ा छोटा होता था। हाँ, इसका थोड़ा सा बड़ा और इसमें बड़ा है, तो इससे रोड ग्रिप अच्छा हो गया। ठीक है, और इसमें 155 सीसी का इंजन है। अच्छा। नॉर्मल स्कूटर में 125 सीसी होता है और ये 155 है। अच्छा। ये चीज है, और इसका मीटर बहुत अच्छा है, डिजिटल मीटर है, TFT मीटर है। अच्छा। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये डिजिटल मीटर है पूरा ना? ये डिजिटल मीटर है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आप कॉल मैसेजिंग भी देख सकते हैं। अरे वाह, ये फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, मैसेज भी इस डिस्प्ले हो जाएगा, मैसेज भी जिनका मैसेज आया उनका नेम आप रीड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, और हाँ, और बाकी सारे स्कूटर में होता है क्या कि ABS नहीं आता, ABS यानी एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम, ठीक है, इसमें वो है। अच्छा। ABS है इसमें। स्कूटी तो बहुत बार आप लोग यूज किए होंगे, लेकिन ये स्कूटी वाकई में गाइस ऐसा फील नहीं होगा, आप स्कूटी चलाइएगा लेकिन फील होगा कि हम किसी बाइक को चला रहे हैं, क्योंकि गाइस इसका जो चक्का है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्कूटी ज्यादातर स्लिप कर जाता है, लेकिन अगर ये स्कूटी आप लेते हैं तो स्लिप करने का डर नहीं होगा, राइट? राइट, स्लिप नहीं करेगा ना ये स्कूटर, कम बाइक ज्यादा ही है। अच्छा, स्कूटी कम बाइक ज्यादा है, यानी कि आप जो है महिला भी बहुत ही सेफ है, क्योंकि अगर इस स्कूटी से चलते हैं तो गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है, जो पहले आजकल जो स्लिप करता था। तो ये चक्का देखे भैया, ये बहुत अच्छा किया है, काफी हमें ये फ्यूचर ज्यादा अच्छा लगा। दूसरा क्या है कि इसमें पेट्रोल लेने के लिए आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेट्रोल मिल जाएगा। देखिए गाइस, हम पहले ही बताए थे कि इस यमहा के शोरूम में आप आते हैं, यानी कि सरोज इंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं इस शोरूम में, तो आपको बाइक ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आप सोच के आएंगे, यानी कि वो सभी कलेक्शन अवेलेबल है जो आपके मन में हो, दिमाग में हो, लेने का आप सोच ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि भैया आज के डेट में हर किसी को स्टैंडर्ड बाइक लेने का मन करता है, और वो सभी यमहा कंपनी की तरफ से जितनी भी बाइक आती है ये सभी यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत ऐसे भी बाइक है जो कि शायद भागलपुर के किसी और शोरूम में नहीं मिलेगा। कितने से डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं बाइक, इनके बारे में बताइए सर आप थोड़ा सा। जी, ये हमारा ब्लू स्क्वायर शोरूम है सरोज इंटरप्राइजेस। जहाँ तक डाउन पेमेंट वाला सवाल है, हम लोग 10,000 रुपये के डाउन पेमेंट पर भी गाड़ियाँ फाइनेंस करके हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। सिर्फ 10,000 रुपये पे आप लेकर के आए, मात्र 10,000 लेके आइए और कोई भी बाइक लेके जाइए। जी, कोई भी बाइक लेके जाइए, आपका सिविल स्कोर जो उसमें पेपर से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें आप लेके आइए, आप कनेक्ट कीजिए, विजिट कीजिए। अच्छा। हमारे यहाँ सारे कंपनी के फाइनेंसर्स मौजूद हैं। अच्छा। जो भी जैसे भी करके होगा, आपका जो भी सुविधा होगी वो आपको दी जाएगी, आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, आपका लॉगिन करके सब सारे काम होंगे। अच्छा, ठीक है, तो गाइस और भी काफी सारा फेस्टिवल ऑफर आते रहता है, तो सर किस बाइक पर ऑफर चलने वाला आने वाले समय में? अभी हमारे यहाँ कैशबैक ऑफर चल रहा है 3,000 रुपये का, कुछ मॉडल्स है उसमें, पर्टिकुलर मॉडल उन पे चल रहा है, और उसके अलावा जिन पे नहीं चल रहा है आप विजिट करें, आपकी बात का, आपके आने का पूरा सम्मान रखा जाएगा। अच्छा, तो मतलब यानी कि कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि फेस्टिवल में ऑफर वगैरह चलता रहता है सभी बाइक पे, और कम से कम 10,000 लेके आप आइए और कोई भी बाइक को लेके जाइए। जी जी, बिल्कुल जी गाइस। तो चलिए, ये काफी अच्छी बात है गाइस, अगर आप बाइक ना भी लेने का सोच रहे हैं, मन भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आने के मात्र 10,000 लगेगा, तो कोई भी बाइक आप आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए भैया, हम तो सिर्फ बाइक लेने का मन बना रहे थे, यहाँ पे आने के बाद बाइक देखने के बाद हमारा मन पूरा बन गया है कि हम कुछ दिन बाद जो है
अब ब्लू कलर में R15 लेके ही जाएंगे। हालांकि आज हम सिर्फ देखने के लिए आए थे, लेकिन इतना बाइक अच्छा अच्छा यहाँ पे अवेलेबल है भाई, पूरा मन बन गया कभी ना कभी तो ले ही लेंगे। अभी हम देख लिए, अब व्यवस्था करके ले ही जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक और खासियत है कि 10,000 मात्र, वो तो भैया बोल रहे थे अभी ही ले लीजिए, मात्र 10,000 डाउन पेमेंट करिए और किसी भी बाइक को आप आसानी से ले सकते हैं। तो जब मन होगा भाई आके ले लेंगे। अरे यमा शोरूम, और इसका एड्रेस भी आपको पहले भी बता चुके हैं, ये बोंसी रोड में पड़ता है गाइस, अलीगंज का। गाइस बाइक लेने के बाद सर्विस सेंटर का जरूरत हर किसी को पड़ता है, तो आप टेंशन नहीं लेना गाइस, क्योंकि सर्विस सेंटर भी शोरूम के मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। एड्रेस बता देते हैं आप लोगों को सर्विस सेंटर का, तो भागलपुर के हुसैनाबाद, यानी कि हुसैनाबाद उल्टा पुल के साइड से जब आप आइएगा तो पेट्रोल पंप पड़ता है। उससे पहले आप लोगों को दुर्गा मंदिर के नियर, दुर्गा मंदिर के पास ही अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड मिल जाएगा जो सामने में बोर्ड है, ये देखिए बिरधावन कॉलोनी जगह का नाम है गाइस। ये बस कॉलोनी के अंदर आप लोगों को जाना है, ठीक सामने में 2 कदम की दूरी पर है सर्विस सेंटर। गाइस तो फाइनली हम सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यही है सर्विस सेंटर, और आपको अंदर चलते हैं दिखाते हैं। देखिए सर्विस सेंटर तो बहुत सारा आप गए होंगे, लेकिन इतना बड़ा सर्विस सेंटर शायद ही कहीं किसी जगह पे आप लोगों को मिला होगा इतना बड़ा। आप देख सकते हैं ये पूरा सर्विस गाड़ी का हो रहा है, ये पूरा सर्विस सेंटर एरिया है। यहाँ पे देखिए सभी पार्ट्स का अवेलेबल है, जितना भी ऑल गाड़ी का सभी पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये पूरा देखिए यहाँ पे पार्ट्स के लिए स्पेशल है, बाकी ये सारा गाड़ी का सर्विस हो रहा है, और यहाँ पे जितने भी सर्विसिंग करवाने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए ये सारा व्यवस्था है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप अपना गाड़ी को लेके आते हैं, और थोड़ा टाइम तो लगेगा ये सर्विस होने में, तो आप यहाँ पे अच्छा सा स्पेस बना हुआ है जहाँ पर आप बैठिएगा, और मिरर लगा हुआ है, गाड़ी को आप देखते रहिएगा कि कितना काम हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए टीवी भी लगा हुआ है, अंदर एसी है, तो ये सारा सुविधाएं जो है आपको यमा सर्विस सेंटर के अंदर मिलेगा। तो भैया आप सर्विसिंग करवाने के लिए आए? जी जी। कैसा लगा यहाँ का सुविधा? बहुत बढ़िया सुविधा है, हम जिस समय से आए हुए हैं यहाँ कोई बोरिंग फीलिंग नहीं हुआ। बढ़िया एसी लगा हुआ है, और यहाँ पर हम आके अगर कोई काम भी रहे तो हम बैठ के यहाँ पर कर सकते हैं, और अच्छा मतलब सुविधा बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बहुत थोड़ा। तो अभी देख सकते हैं कि तीनों जगह पे भी R15 मार्केट में ज्यादा चलता है, तो R15 का यहाँ पे सर्विसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भैया लोग से बात करते हैं, कैसे हैं भैया आप लोग? एकदम मस्त है। तो ये बताइए कि अभी आप सर्विसिंग करवाने के लिए आए, कैसा लगा सुविधा यहाँ का बताइए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी? अभी तो पहली बार आए, नया नया खुला है ना, इसलिए पहली बार आए। बहुत कम लोगों को पता है कि नया नया खुला है, वही ये ब्लॉग से पता चलेगा। हाँ अब एकदम एकदम आप लोगों को भी शेयर कर देना सब, ताकि सभी लोगों को पता चले। वैसे सर्विसिंग कैसा लगा यहाँ पर? सर्विस तो भैया एकदम अच्छा है यहाँ के, मतलब की फीडबैक भी काफी अच्छा रहा है यहाँ का, ठीक है, और काम भी लाजवाब होता है, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी तक आप जितना भी काम देखे हैं करते हुए कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, यहाँ का सारे जगह से बहुत अच्छा लगता है कि अपने सामने आप खड़े होके सर्विस करवा सकते हैं अपने से थ्रो। अच्छा बढ़िया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने गाड़ी को अच्छे से सर्विसिंग करवा भी सकते हैं, बाकी यहाँ पे सारा व्यवस्था भी है वहाँ पे बैठने का, आप बैठ के वेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गाड़ी सर्विस हो रहा है। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, एक गाड़ी को सर्विस करने में लगभग कितना समय लेते हैं? 1 से 1.5 घंटे लगे। 1.5 घंटा मौके कर दीजिएगा। तो भैया देखिए हम जो है ना रात हो गया था वीडियो बनाते बनाते तो थोड़ा लेट पहुँचे हैं, लेकिन अगर आप दिन में आते तो हमेशा भीड़ भाड़ आपको नजर ही आएगा। तो बाकी इनसे भी पूछ लेते भैया कितना टाइम लगेगा एक सर्विसिंग करने में लगभग गाड़ी का? एक लगभग तो आधा घंटा लग जाएगा। एक आधा घंटा? जी आप बताइए कितना टाइम लगेगा? लगभग हो जाएगा सर, आधा घंटे में हो जाएगा। आधा घंटा में जी, यानी कि अच्छा थोड़ा सा बुजुर्ग है तो ना 2 घंटा बता दिए, लेकिन ये सब जो है जवान है तो आधे घंटे में कर देंगे, समझ रहे ना? आधा घंटा में कोई भी गाड़ी कर दीजिएगा। और सर कैसा कीजिएगा सर्विस ये भी बता दीजिए। सर्विस जैसा होता है सर, एकदम बेहतरीन सर्विस। बेहतरीन सर्विस जी जी। देखिए भैया ये सब जवान है और सर्विसिंग भी करेंगे तो एकदम तगड़ा करेंगे, तो आप लोगों को अब जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप आपके शहर में ही वो शोरूम के साथ साथ सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है, वो भी इतना बड़ा, शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा गाइस। ऑल गाड़ी का पार्ट्स अवेलेबल है, तो पूछ लेते फिर भी भैया थोड़ा सा भैया बता दीजिए, गाड़ी का सारा पार्ट अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल सारा पार्ट। किसी भी गाड़ी का? नहीं नहीं सिर्फ यमा की गाड़ी का। नहीं नहीं मतलब यमा का सभी गाड़ी का? हाँ यमा के सारे मॉडल का आपको मिलेगा। तो यमा का सारे मॉडल का सभी पार्ट आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस शोरूम से लिए हैं तभी, अदरवाइज आप कहीं से भी गाड़ी लिए हैं अगर आपको कोई भी पार्ट की जरूरत हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना। टाइमिंग क्या रहेगा भैया खुलने का? 9 बजे। 9 बजे से खुल जाएगा? रात कितने बजे तक? 6:30 तक। 6:30 तक लगभग खुलता है। तो आप लोगों को गाड़ी लेने से पहले जो है
सर्विस सेंटर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब आपके शहर में दोनों सुविधाएं अवेलेबल है। इस धनतेरस आप अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो सरोज इंटरप्राइजेस से आप गाड़ी ले सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया मोड।